हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10 मैथ्स रियल नंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट गिवन है, राइट वेदर द रेशनल नंबर 51 अपॉन 1500 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, इसे आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए फाइंड आउट करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए, टर्मिनेटिंग की कंडीशन होती है, अगर कोई फ्रैक्शन गिवन है पी बाई क्यू, अगर इस क्यू को अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 पावर n एंड 5 पावर m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मतलब कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इसमें डिनोमिनेटर 2 पावर n एंड 5 पावर m इस दोनों के फॉर्म में हो सकता है या फिर दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का इस फॉर्म में आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर डिनोमिनेटर 2 पावर n एंड 5 पावर m के फॉर्म में नहीं आता है तो फिर ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कंडीशन। अब हम गिवन क्वेश्चन को करते हैं कि कैसे करना है। गिवन रेशनल नंबर है 15 अपॉन 1500। अब देखिए, इसके हम फैक्टर फाइंड करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर 1500 गिवन है इसका फैक्टर फाइंड करेंगे। अगर फैक्टर 2 पावर n एंड 5 पावर m के फॉर्म में आता है फिर तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो फैक्टर फाइंड आउट करने से पहले हम देख रहे हैं कि इसे और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, 51 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 51 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो हमें मिलता है 17 एंड 15 करेंगे तो हमें मिलेगा 500। अब देखिए, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब हम 500 का फैक्टर फाइंड करते हैं। फैक्टर फाइंड करना तो आपको पता होगा। देखिए, सबसे पहले 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 जा 5। अब देखिए, ये 500 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। 500 जो हमें डिनोमिनेटर मिला हुआ है वो 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मीनिंग है कि 2 2 टाइम्स आया है तो इसे 2 पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड 5 आप देख रहे हैं 3 टाइम्स है तो 5 को पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 17 अपॉन हम यहाँ पे डिनोमिनेटर की जगह पैसे लिख सकते हैं ना, 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 3। अब आप देख रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर हमें मिला हुआ है वो हमें 2 पावर n एंड 5 पावर m के फॉर्म में है, इसलिए ये गिवन रैशनल नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो राइट करते हैं, सिंस 500 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3, देयरफॉर गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये 500 का जो फैक्टर हम फाइंड आउट किए हैं ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं और क्वेश्चन में आप इसे शो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आप शो कर रहे हैं या फिर रफली कर रहे हैं। उम्मीद करते हो आप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।